गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मॉमी टॉकीज के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो बता दूं, मेरा नाम अमृता है और मेरा एक बेटा है आयांश, जो कि अब 2 साल का हो गया है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ लव लैप सिटी बेबी बगी स्ट्रोलर के बारे में और उसके डिटेल फीचर्स के बारे में। एंड हम समझेंगे कि किस तरीके से आप इस स्ट्रोलर या बगी का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड अपने और अपने बच्चों के साथ बाहर की ट्रैवलिंग को बहुत ही ज्यादा आसान बना सकते हैं। सो लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये स्ट्रोलर काफी कन्वीनियंट एंड बेस्ट आउटडोर गियर में से एक है, जो कि आपके लिए और आपके बच्चों के लिए दोनों के लिए ही बेस्ट एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड करता है। ये काफी कॉम्पैक्ट एंड इजी टू फोल्ड बगिया स्ट्रोलर भी है, जो कि किड्स एंड टॉडलर्स दोनों के लिए ही एब्सोल्युटली परफेक्ट है। एंड साथ ही यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड सर्टिफाइड प्रोडक्ट भी है, मतलब आपके बच्चों के लिए सबसे सेफ ऑप्शन में से एक है। अब आइए इसके कुछ और डिटेल फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। इस बगी को आप न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के 3 साल तक के बच्चों के लिए आसानी से यूज कर सकते हैं एंड अप टू 15 kg तक का वेट स्ट्रोलर काफी आसानी से अकोमोडेट कर सकता है। इसके हैंडल में आपको सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल रबर ग्रिप मिलता है, जिसके वजह से इसको ऑपरेट करना काफी आसान हो जाता है। एंड रेनी टाइम या हेवी रेस से बच्चों को बचाने के लिए यहाँ पे आपको कैनोपी भी मिलता है, जिसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं एंड साथ ही साथ इसको साइड से लॉक भी कर सकते हैं। इसमें आपको लुकिंग विंडो मिलता है, जिससे स्ट्रोलिंग करने के टाइम पे आप बच्चों को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट सेफ्टी बार मिलता है, जिसको आप आसानी से डिटैच या अटैच कर सकते हैं। इसके सेफ्टी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 5-पॉइंट सेफ्टी हार्नेस मिलता है, जिसको बकल सिस्टम से ऑपरेट किया जा सकता है। एंड इसमें दिए स्ट्रैप को अप एंड डाउन खींच के आप इसके बेल्ट को भी आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको किसी भी डायरेक्शन में बहुत ही आसानी से मूव कर सकते हैं एंड साथ ही साथ इसके रियर व्हील्स में भी बच्चों के सेफ्टी के लिए यहाँ पे आपको ब्रेक मिलता है। इसको कहीं पे भी रोकने के लिए आप बस रियर व्हील्स में दिए गए लिवर को नीचे की तरफ से पुश कर दीजिए। इसका जो मुझे बेस्ट पार्ट लगा कि अपने बच्चों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसके बैक रेस्ट को भी मल्टीपल पोजिशन में रिक्लाइन कर सकते हैं या आप चाहें तो सीधा फ्लैट स्लीपिंग पोजिशन में भी एडजस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ बैक रेस्ट के बटन का ही इस्तेमाल करते हुए सीट को रिक्लाइन करना है। इसके फुट रेस्ट को भी आप अप टू 2 डिफरेंट पोजीशन तक एडजस्ट कर सकते हैं एंड एडजस्ट करने के लिए आपको साइड में दिए गए दोनों नॉब को एक साथ प्रेस करना है। इसमें आपको एक बैक पॉकेट भी मिलता है, जिसमें आप बच्चों के एसेंशियल्स को कैरी कर सकते हैं एंड साथ ही साथ आपके बगी के नीचे शॉपिंग बास्केट भी मिलता है, जिसमें अगेन आप बच्चों के टॉयज एंड अदर एसेंशियल्स को रख सकते हैं। इस बगी स्ट्रोलर को फोल्ड करना भी बहुत ज्यादा आसान है। फोल्ड करने के लिए पहले आपको बैक रेस्ट को स्ट्रेट करना है, फिर कैनोपी के नीचे दिए गए लिवर को पुश करना है एंड इस तरीके से आसानी से फोल्ड हो जाता है। सो ये था लव लैप सिटी बेबी बगी या स्ट्रोलर के बारे में और उसके डिटेल फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके आप बच्चों के साथ बाहर की ट्रैवलिंग को बहुत ज्यादा आसान कर सकते हैं एंड ये पेरेंट्स एंड बच्चे दोनों के लिए ही कन्वीनियंट एंड सेफ ऑप्शन में से एक है। ये बच्चों को काफी सेफ एंड सिक्योर रखता है एंड बच्चों के साथ स्ट्रोलिंग एक्सपीरियंस काफी एंजॉयबल भी बना देता है। आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आया होगा एंड अगर आपको ये खरीदना होगा तो ये आसानी से Amazon, Flipkart एंड लव लैप के साइट पे अवेलेबल है, जिसका परचेस लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम इसी तरह के वीडियो जो है वो आपके लिए बनाते रहते हैं, आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए बहुत अच्छे और बहुत प्यारे वीडियो जो है वो बनाने के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं अमृता आज का वीडियो खत्म करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी पेरेंटिंग एंड बाय बाय।